तो हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से दूर हो गई है। कांग्रेस की हार पर सहयोगियों की तरफ से नसीहत भी आने लगी है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहां हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा कौन जिम्मेवार रहे। हरियाणा में जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने कर दिखाया। कहां तो सत्ता विरोधी लहर की चर्चा थी और कहां हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी पार्टी के लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हाँ, तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। हरियाणा के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी। जनता का विश्वास जीता हरियाणा में और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। अति आत्मविश्वास ने हाल ऐसा कर दिया कि कांग्रेस को कहीं ढोल वालों को वापस भेजना पड़ा तो कहीं विक्ट्री मार्च के लिए बुलाए गए घोड़े और रथ बैरंग लौटाने पड़े। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी जा रहे हैं। क्यों, अभी नहीं रुकना? वो सीटें भी आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। वैसे नतीजों के पहले क्या क्या दावे हो रहे थे आज ये देखना भी जरूरी है। केदार ने बदला ले लिया भाई, किसान लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव में लेगा उसने ले लिया। चुनाव में तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या आपसी खींचतान और अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस बार बार फजीहत वाली हार झेल रही है। कल पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को देशद्रोही बताते हुए कहा कि हरियाणा की जनता ने देशभक्तों का साथ दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं और कांग्रेस के चट्टे बट्टे इन साजिशों में शामिल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। हरियाणा में जीत के बाद कांग्रेस जो है वो हार का सामना कर रही है, तो बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से नम्र अनुरोध करता हूं, कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए,
हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों को फेल करते हुए बीजेपी ने हरियाणा में 57 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है और पिछले दो विधानसभा चुनाव से इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन बन रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न कुछ नहीं बहुत ही खास है। हरियाणा में जनता ने तीसरी बार बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। ऐसी जीत जिसने 57 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को शुक्रिया कहा, साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। एग्जिट पोल के नतीजों से उलट हरियाणा में बीजेपी की आंधी ने ऐसा माहौल बनाया कि पूर्व सीएम बहाने ही खोजते दिखे, तो हार ने कांग्रेस के अंदर खाने चल रही सियासत को भी बेपर्दा किया। मेरे पास खबर है कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई और कई जगह है जो कंफ्यूजन के डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी लिया है। कहाँ हमारी कमियाँ रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, तो आखिर कांग्रेस की हार की वजह रही क्या? हरियाणा का रण जाट दलित समीकरण। चुनाव में जाटों पर निर्भर दिखी कांग्रेस। आबादी का करीब 22% हिस्सा है जाट, 20% दलित, अल्पसंख्यक वोटों पर भी नजर। जाट दलित समीकरण बनाती दिखी कांग्रेस। तो कांग्रेस जहां जाट दलित समीकरण बना रही थी, बीजेपी ने परंपरागत सवर्ण वोट और गैर जाट वोटों को साधा। ओबीसी ने दिलाई सत्ता, बीजेपी ने ओबीसी पर केंद्रित किया ध्यान।
हरियाणा में ओबीसी की आबादी करीब 35%, परंपरागत सवर्ण वोट और गैर जाट वोटरों को साधा। INLD, BSP, JJP, ASP गठबंधन ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गठबंधन ने किया खेल, इनेलो BSP, JJP, ASP गठबंधन ने किया खेल। दलित और जाटों के भरोसे थे दोनों ही गठबंधन। जाटों पर निर्भर हैं JJP और इनेलो, दलितों पर निर्भर पार्टियां हैं ASP और BSP। गठबंधन ने कांग्रेस को पहुंचाया नुकसान। कांग्रेस की हार के और भी कई कारण गिनाए जा सकते हैं। कांग्रेस की हार क्या है कारण? गुटबाजी ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे दिखी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से था अति उत्साह। संविधान और आरक्षण का मुद्दा नहीं आया काम। कांग्रेस के कई नेता अपनी सीटों तक सीमित रह गए। BJP के लाभार्थी वर्ग की काट नहीं निकाल पाई कांग्रेस। पहलवानों किसानों का मुद्दा नहीं आया काम। उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे BJP के मन मुताबिक नहीं आए। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है। फारूक अब्दुल्ला ने जीत पर खुशी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला के CM बनने की भी बात कही। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो CM बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ। हरियाणा में कांग्रेस सत्ता के सिंहासन से फिर दूर हो गई, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर हुई है। ऐसे में हिंदी पट्टी में कांग्रेस की राह अब भी मुश्किल बनी हुई है। वहीं BJP ने हारी हुई बाजी को प्रचंड जीत में तब्दील किया है और ये साबित करता है कि चुनाव मैनेजमेंट में उसका कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। बड़ी खबर, महिला डॉक्टरों की रेप और मर्डर मामले में कोलकाता के RJKR मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टरों ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में इस्तीफा दिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई विभागों और उनके हेड की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। तो RJKR मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे दिए गए। 50 सीनियर डॉक्टरों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया। जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में इस्तीफा दिया गया। कोलकाता रेप कांड के बाद अभी भी गुस्सा जो है वो लगातार जारी है। RJKR मेडिकल कॉलेज में सामूहिक इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। 50 सीनियर डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि RJKR मेडिकल कॉलेज वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और जिसके चलते गुस्सा जो है वो लगातार अब भी जारी है। रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण कर टाइगर की एक झलक देखने के लिए मशक्कत करने वाले पर्यटकों के लिए आज का दिन अच्छा रहा। गणेश धाम से एंट्री करने के दौरान रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के समीप ही एंट्री गेट पर टाइगर के दीदार पर्यटकों को हो गए। बागल सुल्ताना की चहलकदमी सुबह सवेरे मुख्य सड़क के नजदीक ही पर्यटकों को देखने को मिली। इस दौरान मुख्य सड़क के नजदीक ही पर्यटक वाहनों की कतारें लग गई और टाइगर साइटिंग का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही बागन सुल्ताना की चहलकदमी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की।